अनेक माया के रूप पैदा हो जाते, जितने जितने बाण मारते जाते उतने उतने मायावी रावण तैयार होते जाते। हर साल रावण बनाते हैं, जलाते हैं और हर साल रावण बड़ा चढ़ा होता जाता है। कहाँ की बात है? यहाँ की बात है। जब तक उसके नाभि कुंड में न मार मारी जाए तब तक रावण मरता नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, तो कहाँ बाण मारा जाए? और ब्रह्मा की नाभि में बाण मारा जाए कि गीता का भगवान कृष्ण वो ब्रह्मा नहीं है, गीता का भगवान कौन है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। तो नाभि में बाण लगे तो ये ढेर के ढेर रावण बनना बंद हो जाए। बाबा छह महीना खाना क्या, दो चार आठ दस पंद्रह लोग मिलकर के कुछ नए नए पॉइंट्स निकाले, उनको सेमिनार कह दिया है। जो जैसा होगा वैसा ही तो बनाएगा, वो तो भस्म होने वाला होगा तो दूसरे को ज्ञान कैसा सुनाएगा? भस्म करने वाला ज्ञान सुनाएगा तो भस्म से भस्म थोड़ी पैदा होते। ऐसा इसलिए बताया कि कंस के डर से कंस भागते रहते गांवने गांवने में, और भस्मासुर के डर से शंकर भगवान भागते रहते सारी दुनिया में, और रावण के डर से राम भागते रहते जंगलों में। क्योंकि भगवान आकर के हिंसक युद्ध कराता है या अहिंसक युद्ध कराता है? भगवान भी चाहे तो अपने भक्तों को अपने बच्चों को प्रेरणा दे दे, खूब लड़ाई करो, मारो मार काट मचा दो, लेकिन भगवान ऐसा करेगा क्या? भगवान ना लड़ता है और ना लड़ाई कराता है। अगर युक्ति से काम निकल आए तो मारकाट मचवाने की हिंसा करवाने की क्या दरकार है? जन्म जन्मांतर 63 जन्म तो हम हिंसा करते रहे राजा ही लेने के लिए, क्या विष्णु पर राजा ही पाई? कोई धर्म वाले ने पाई नहीं पाई, तो फिर वो ही कर्म फिर दोबारा व्यक्ति करेंगे। अभी तो हमको भगवान पढ़ाते हैं कि दुनिया के धर्मात्माएं होते हैं वो भी नहीं मुख से ये कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा करो खून खराबा करो, तो भगवान आकर के लड़ाई लड़ेगा खून खराबा करेगा? तो युक्ति से काम निकाल देंगे, सांप मरे मुक्का लाठी मुखी ने कहा है कि आदि पर्व अर्थात जो आदि में हुआ है वही घटना अंत में हो गया है। तो आदि में ऐसा घटना करके चला है कि बाप और बच्चों ने कुछ ऐसा घटना करके चला कि उनमें अनबन बने, बाप जो है खेत के भी चले गए तत्पश्चात मारे चले गए, तो अंत में वो चीज कैसे नजर आएगा? आदि में ब्रह्मा की चली और बप्पा भगा दिया हुआ ना? हाँ। अभी ऐसे एडवांस पार्टी में भी होगा क्या? देवियों की चलेगी राज करेगा अलका और बाप अपना रास्ता देखेगा, सुपर उत्तम बाद में खोले, फिर डूबी जा हो जाएगी और एक बाप
साबित हो जाएगा सारी दुनिया झूठी और एक बाप सत्य। बाप बाप को राजा चाहिए क्या? बाप खुद आकर के राजा ही लेता है या बच्चों को देता है? नंबर बाप को साथ होता है बच्चों को देता है। बच्चे राजा की शूटिंग करें अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाए जो आज में ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा होता है वो अंत में प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा जरूर रिपीट होना है। क्या हुआ जो तुम पढ़ रहे लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे उनको धारणा के बारे में समझ में आता है जैसे की रुचि है तो बाद में वो आना बंद कर रहे तो वृद्धि कैसे होगी? वृद्धि कैसे होगी? ज्ञान सुनाने वो मुख्य बात है कि धारणा सुनाना वो मुख्य बात है। ज्ञान तो सुनाते हैं लेकिन ज्ञान कुर्सी में बैठ जाएगा कि भगवान बाप आया हुआ है। अगर ये कुर्सी में बैठ ज्ञान माने क्या है? ज्ञान माना जानकारी। किसकी जानकारी? मुख्य अपनी जानकारी दुनिया के आदिमत्यस्थ की जानकारी और परमात्मा बाप की जानकारी। तीन बातों की पूरी जानकारी अगर बुद्धि में बैठ जाए नक्सल में तो वो आत्मा जितनी ताकत उसमें होगी उतनी अपने आप ही धारणा करेगी। किसी को पहले पहले ये कहना ही नहीं है कि तुम ये धारण करो। अगर शुरुआत में किसी को धारणा सुना देंगे तो भाग जाएंगे। कोई सुना दे ना थोड़ा अभी तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है मोस्टली कमजोर आत्माएं निकलेंगी या पावरफुल आत्माएं निकलेंगी। शूटिंग हो रही ब्रांड ड्रामा की भी शूटिंग होती है तो कलयुग के अंत आते आते कमजोर आत्माएं आती हैं परम धाम से या पावरफुल आत्माएं आती हैं कमजोर आत्माएं तो वहाँ परम धाम से शक्ति पर आती है और यहाँ कब्र दाखिल आत्माएं चैतन्यता में ज्ञान की रोशनी में आती है। सीरियल वही जिस क्रम से परम धाम से उतरती है उसी क्रम से ज्ञान में आती जाती है। तो हमें तो मालूम है कि दिन प्रतिदिन कमजोर आत्माएं आती जा रही है तो उन्हें पहले ही हमें धारणा सिखा दें 16 कला संपूर्ण बनना है संपूर्ण पंच बनना है। अब वो तो बननी नहीं है। कोई कोई ऐसे होते हैं कि भले कलयुग कांत चल रहा है कलयुग चल रहा है फिर भी बहुत सारी दुनिया में उनका नामाचार हो जाता है। विवेकानंद जैसे पैदा हो जाते मन दयानंद जैसे पैदा हो जाते बिल्कुल उनका चक्कर तो लगाया ही नहीं अभी ब्रह्मा साधना के लिए निमित्त है निमित्त बनता है लेकिन जैसे वो कभी छोड़ देता है तो ब्रह्मा में प्रवेश करता है मतलब ब्रह्मा अंत में महाकाली बनते हैं विनाश के लिए निमित्त बनते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्मा की स्थापना और विनाश के लिए निमित्त बनता है। जो स्थापना करेगा तो पालना और विनाश नहीं करेगा है?
स्थापना अच्छा ही करेगा, जो अच्छी चीज स्थापन हुई उसकी पालना भी करेगा और जो नकामी चीज है उसका विनाश भी करेगा। आत्मा, हर एक आत्मा अपने लिए अच्छे अच्छे दृष्टिकोणों की स्थापना करती है, अपनी आत्मा के अंदर शक्तियों की स्थापना करती है, फिर पालना भी करती है, फिर दुर्गुणों का विनाश भी करती है। ब्रह्मा की आत्मा भी ऐसे तीनों कार्य करती है, लेकिन एक ही रूप से नहीं, स्थापना का रूप अलग, पालना का रूप अलग और विनाश का रूप अलग। ऐसे नहीं कि जगदम्बा का काम लक्ष्मी कर देगी या लक्ष्मी का काम जगदम्बा कर देगी। रामायण में ऐसा बताया है कि रावण ने जब सीता को चुराया, चुरा के ले गए, उस समय सीता राम की ही थी, और जब उसको अशोक वाटिका में रखा वो राम के पास आना चाहती थी, लेकिन संगम पर तो ऐसा दिखाई नहीं, संगम पर तो ये ऐसा दिखाई नहीं देता, जैसे राम राम जो है जब राम की सीता राम ने चुराई थी, तुम सब सीताएं हो तो सब सीताओं के अंदर घुस के बैठ गए क्या? शिव बाबा कहते मैं तो अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी नहीं है, लेकिन आप अंतर्यामी हो गए। ऐसा विरोधावास दिखता है ना, संगम युग पर तो वैसा गायब नहीं है, वैसा संगम नहीं है, संगम युग में कहीं गायब होता है, संगम युग तो असली चीज होती है। और बाबा तो इतने नित्य पूर्वक बोलते हैं, क्या नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, और बच्चों को बच्चों को अगर चाबी दे दे साक्षात्कार की तो बच्चे क्या करेंगे? अब चाबी भी यूज करेंगे। बच्चों को दी है असली चाबी, कौन सी चाबी दी? बुद्धि का ताला खोलने की चाबी दी, बुद्धि का ताला बच्चे खोले, और बाप अपने पास चाबी रखता है, दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखता है। भूकंप तो पहले से भी आने लगेंगे, एक एक शहर पे बाउंड गिरता रहेगा तो भी पहले से बिगड़ता रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो बर्फ तो अभी बर्फ बचना पड़ेगा तो तभी होगा जबकि बैठक में धमाके पूर्ण जोर से हो जाएंगे, तो सारा समंदर आप बन करके ऊपर उड़ना शुरू होगा, चारों तरफ बरसात ही बरसात और मूसलाधार बरसात, तो पृथ्वी का सारी पृथ्वी का वायुमंडल कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, बर्फ ही बर्फ जाम हो जाएगी। नौला सो रह
संख्या पूरी हो जाएगी उससे क्या होगा? बर्फ में दबने के बाद ही बच्चों का जन्म होगा। 9,16,000 जो है वो 9,16,000 एक तो आठ आत्मा ही तैयार हो जाएगी। ऐसे थोड़ा ही है कि वो पहले जेनेटिक जो पहले जन्म की है वो जेनेटिक तैयार हो जाएगी। पहले जन्म की जो जेनेटिक है वो 100-150 वर्ष पूरे होंगे जब राधा कृष्ण के तब पूरी होगी या उनके जन्म होते ही पूरी हो जाएगी। 18 आधे बचेंगे पुण्यात्मे और आधे पाप आत्मे बचेंगे। चार में भी रहती है और लेफ्टिस्ट दिखाई जो राइटियस है वो राइट बात को मानने वाले, जो लेफ्टिस्ट है वो राइट बात को मानने वाले नहीं है। तो सबकी एक साथ कंचन काया बन जाएगी क्या? नहीं तो गीता पाठ करो, गीता पाठ करो तो छोड़नी पड़ेगी। मधुबन वालों को मधुबन क्यों छोड़ना पड़ेगा? कुछ तो होना चाहिए। चिंता नहीं है।
राजभवन और उनका मित्र जान अंत में से छोड़ देता मैं क्या उनका मित्र जान वो तेरे छोड़ देता मैं अंत में एक दूसरे को मार देते हैं क्या मतलब उनकी यहाँ कोई शूटिंग होती है क्या करते मार देते दम कर देते छोड़ देता मैं यहाँ कोई शूटिंग होती दोनों एक अच्छे बाप और बेटा दोनों एक अच्छे जन्म लेते हैं या आदित्य में लेते हैं बाप की जयंती को बच्चे की जयंती तो जन्म साथ साथ लेंगे तो दे अभिमान नहीं छोड़ेंगे साथ साथ जन्म लेना क्या है और मृत्यु होना क्या है दे अभिमान में जिंदा होना और दे अभिमान से मर जाना तो दोनों साथ साथ मरेंगे कि आगे पीछे मरेंगे जब ब्रह्मा आया था तो बाप का पार्ट रहा था या भूत हो गया तो ब्रह्मा तो विष्णु आएगा तो बाप का पार्ट रहेगा या भूत रहेगा एक होता है बाप भूत हो जाना एक होता है बाप का पार्ट भूत हो जाना पहली मूर्ति रही तो दूसरी मूर्ति और तीसरी मूर्ति संसार में रही या नहीं रही रही लेकिन कहाँ रही ये पता नहीं दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई तो पहली मूर्ति के स्थान पर दूसरी मूर्ति ने स्थान ले लिया ब्रह्मा तो विष्णु तो मूर्तियां तो तीनों ही संसार में रहती है एक साथ पांच नहीं बजाती दुनिया का जो रास्ता है जिस रास्ते पे चल रहे थे वो रास्ता छूट गया और शिव बाबा ने अपने धंधे बता दिया
कोई भी प्रकार की सेवा हो। सेवा तो सेवा है, प्यार से सेवा होनी चाहिए। मन का सेवा है तो भी सेवा है, कर्मेंद्रियों से सेवा है तो भी सेवा है, वाचा से सेवा है तो भी सेवा है। पापा जो भी सेवा करे वो लगन से करे, लगाव पूर्वक, प्यार पूर्वक। सेवा में ईश्वरीय प्यार झलक रहा हो, स्वार्थ का नाम निशान न हो, जैसे रामवाली अमृत शुरू हो गया, वो नित्य नित्य के चक्र में नहीं आते, अठासी में कृष्ण वाली सोल अमृत शुरू हो जाना चाहिए। आप अठासी कह रहे हैं ना, अठासी में स्वतंत्र हो गई, देह के भांग से कुछ परे हो गई, तभी तो मृत्युलोक खलास हुआ उसका। मृत्युलोक खलास हुआ और अमर लोक शुरू हुआ। लेकिन वो ज्ञान गर्भ में प्रवेश हुई या उसका जन्म हुआ? तो ज्ञान गर्भ में प्रवेश का हुई, जन्म नहीं हुआ। प्रवेश होना अलग बात और जन्म होना अलग बात। और बाबा जगन्नाथ का जो लकड़ी का यादगार दिखाते हैं तो लकड़ी का क्यों दिखाते यादगार? और लकड़ा बुद्धि होगा पहले। एकदम काली लकड़ी होती है क्या? वो लकड़ी कैसी होती है? एकदम काली लकड़ी होती है और वो लकड़ी अभी ये 12 साल तक जल में रहनी चाहिए, नदी में रहती है। ज्ञान जल में रहने से परिपक्व स्टेज में पहुंच जाती है। तो शूटिंग पीरियड में 2006 से 2018 तक तो 12 वर्ष काउंट करते जरूर होगा। 2006 से 2018 हो सकता है, बड़ी बात थोड़े ही है। नदी तो चाहिए नीचे स्टेज में बहने वाली नदी चाहिए या नीचे स्टेज में बहने वाली नदी चाहिए? नीचे स्टेज में बहने वाली नदी चाहिए। फिर बोला मैं हर कर्म का संगम में आता हूँ, फिर बोला मैं जीवन के लिए नहीं आता हूँ, फिर बोला कर्म का संगम में नहीं आता हूँ, कर्म का अर्थ क्या? मैं कल्प के संगम में आता हूँ। तो 3 बार कल्प रिपीट किया है। जब देवतावाणी की शूटिंग होती है 76 तक, देवतावाणी की शूटिंग में 4 अवस्थाएं होती है, तत्व प्रधान, तत्व सामान्य, रजो और तमो, ये 4 युग हो गए। 1 कल्प हो गया ऐसे ही त्रेता युगी सक्रिय वाणी की आत्माओं की शूटिंग,
तुम्हें भी चार अर्थ है, चार युग हो गए, एक कल्प हो गया। ऐसे ही द्वापर युगी मैत्र बने की आप करो की सूचे कहते हैं ब्रह्मा ने तीन बार सृष्टि रची और तीनों बार बिगाड़ दी। तीन बार जो कल्प बोला है वो शूटिंग पीरियड के लिए बोला है। टीवी का चित्र में जो दिखाया है वहाँ को का टीवी में जो लास्ट फिर होते हैं देखा कर शूटिंग के अंत में वो लोग स्वर्ग में आते हैं, तो यहाँ का मतलब क्या है? यहाँ जी के अंत में लास्ट त्रेता जो त्रेता का जो अंत होता है जो विनाश होते हैं अर्थो विनाश हो जाते हैं तो उसका राज्य मिलते हैं है? इसका यहाँ के में क्या कैसे ये मतलब क्या है? जो सीढ़ी के चित्र में ऊपर है चार भाई दिखाए गए हैं, एक है देवी देवता सनातन धर्म का तीन और बाकी तीन विदेशी धर्मों के बीज हैं, इस्लामी बौद्धी और क्रिश्चियन। इन धर्मों के जो बीज हैं वो संक्षेप करते ही प्रत्यक्ष होते हैं, तो सबसे पावरफुल आत्माएं हुई या कम पावर वाली आत्मा है? पावरफुल है लेकिन विदेशी धर्मों के बीज है, इसलिए वो डिस्ट्रक्टिव कार्य करते हैं या कंस्ट्रक्टिव कार्य करते हैं, डिस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं। संगम युग में भगवान का जो बना बनाया मंदिर है जो घर गृहस्थ है उसको तोड़ते हैं, ये यादगार बन गया गिरजाघर। ये भगवान के बने बनाए घर संकल्प चलाए होंगे संगम युग में तो उसकी यादगार भक्ति मार्ग में बनी हुई। वो तीनों सम्मिलित रूप से जो डिस्ट्रक्शन करते हैं एडवांस पार्टी हो तो डिस्ट्रक्शन का काम भी चाहिए या नहीं चाहिए है? चाहिए, नहीं तो इतने ढेर सारे स्वर्ग में थोड़े चले जाएंगे। जो नई दुनिया बनेगी उसमें थोड़े जाएंगे या ढेर के ढेर जावेंगे? थोड़े जावेंगे, तो थोड़ी संख्या कैसे हो इसके लिए वो निमित्त बने हुए। ऐसे ऐसे बम छोड़ेंगे, वो कथा करते तो ब्राह्मणों ने तो बहुत छोटे छोटे बम छोड़े, वो ऐसे ऐसे बम छोड़ेंगे जो नाक में सूंघने मात्र से ही मौत हो जाए, सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उनका पार्ट है नटदेव का, पार्ट तो उन्होंने बजाया, कुछ न कुछ सेवा तो की है, वो तो पार्ट का रिजल्ट क्या निकलता है कि जो छोटा सा देवताओं का परिवार वो प्रत्यक्ष हो जाता है और बाकी सबका पराभव हो जाता है, हार हो जाती है। तो प्रत्यक्ष तो किया ना, तो उसका रिटर्न उनको नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उनको लास्ट में सतयुग के त्रेता के अंत के जो तीन जन्म है वो डिस्ट्रक्टिव तीन जन्म में उनको राजा ही मिल जाती है। विष्णु के साथ जो अस्त्र सुख दिखाया है, विष्णु के साथ जो अस्त्र सुख दिखाया नाम नाचता हुआ, तो किसका बात है? अस्त्रदेव का नहीं, अच्छा सुखी दिखाया ना, किसी के साथ दिखाया, एक साइड में नरक दिखाया, एक साइड में स्वर्ग दिखाया, तो जो
लिखा है वो जो आठ आत्मा को तो आठ पटरानियों की बात कर रही है माता जी। पटरानी है पटराना नहीं होंगे पटराना भी होंगे। अकेले की बात क्यों कर रहे हैं बाबा? 60-61 से शुरू होकर 31-12-31-2004 में खत्म हो जाती है। है शूटिंग पीरियड में से सुना 60-61 से शुरू होकर 31-12-2004 में शूटिंग पीरियड एक्चुअल शूटिंग पीरियड देखते हैं शुरू खत्म हो जाता है। अभी तो अंतिम चरण चल रहा है 2007 में, तो बाकी 61 से लेकर के शूटिंग पीरियड जीवन में चालू होती है 21-12-2004 खत्म हो जाती है 2004 में खत्म। हाँ जी, तो बाकी 1936 से 59 तक वो पीरियड और 2004 के बाद 2036 तक ये बाकी जो पीरियड ड्रॉट डाउन में कैसे आएगा बाकी कहाँ तक 1936 से 1959 और 2005 से 2005 से 2039 के आगे जब तक नहीं बढ़ाएंगे तो आ जाता है। कैसे आ जाता है? जो गोले का चित्र है, चित्र है, उसमें कृष्ण को राधा को दिखाया गया है। कौन है अधिष्ठा कर सकते हो? चित्र में किसको चित्रित किया गया है? सचिव शूटिंग में राधा कृष्ण को, राधा कृष्ण की आत्मा कौन है? ब्रह्मा सरस्वती। तो ब्रह्मा सरस्वती ने एक तक का ही काम किया, कलक्षेत्र का काम नहीं किया। निमित्त बन करके उनका कार्य चला ना क्षेत्र तक, इसलिए 40 साल का है, इस तक तक नहीं है। इस तक तक इसलिए लिया गया कि खास से पहले ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की कोई खास सेवा नहीं हो पाई, चित्र ही तैयार नहीं हुए थे। जब चित्र तैयार हुए हैं तो बड़ी तेजी से सेवा होना शुरू हुई और फिर जनसंख्या की वृद्धि हुई। सचिव का जब आज होता है तो जनसंख्या की वृद्धि होती है और सचिव के अंत में 2 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। तो कलकत्ता तक 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश मिला। इससे पहले कोई खास सेवा के प्रोग्राम नहीं होते ना, उस समय प्रोजेक्टर शो निकला ना, उस समय कोई खास लिटरेचर निकला ना, चित्र निकले ना, प्रदर्शनी निकली ना, मेले हुए ना, रेडियो शिविर हुआ न, कॉन्फ्रेंस हुई न, कोई सेमिनार हुई। न मेगा प्रोग्राम हुए। जनसंख्या की वृद्धि कैसे हुई? जब से जनसंख्या की वृद्धि हुई तब से कहेंगे। आदि का समाज सचिव का आदि आदि का 36 से 59 तक 1959 तक कोशी का ड्रॉडाउन में कैसे आएगा? वो संगम में संगम बाबा आदमी आदमी जब दिन सोता है आदमी जब दिन सोता है आदमी जब दिन सोता है क्या सोचता है? शरीर छोड़ता है राम राम सत्य, राम राम सत्य बाहरी को राम राम सत्य क्यों बोलता है? क्योंकि भक्ति मार्ग में जो कुछ होता है वो कहाँ की यादगार? संगम की यादगार। संगम में भी जब मनुष्य शक्ति शरीर छोड़ती है, मानवीय शक्ति अपना शरीर छोड़ती है, तो अंत समय में लोग किसको याद करते हैं? राम वाली आत्मा प्रत्येक छोड़ती है संसार में, इसलिए भक्ति मार्ग में उसकी यादगार चली आ रही है।
कि जब जब कोई मरेगा तो मरने के बाद राम नाम सत्य है कहीं। और बाबा सत्य सांगम जी की यादगारी। बोलो बोलो बोलो, कहाना से सुन रहे हैं? माँ बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम का जो विशेषता है वो तो सांगम द्वीप की बात है ना, कि वहाँ से उत्तर मिलता है इसलिए उत्तर प्रदेश नाम खास होता है। उत्तर प्रदेश जब नाम पड़ता है उत्तर तो वहाँ से ही मिलता है ना, कोई पुत्र को होता है है जी। हाँ जी, तो उत्तर प्रदेश नाम लिखा तो यही सांगम द्वीप की शूटिंग की बात है। हाँ जी, मैं वही बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जहाँ से उत्तर मिलता है सब बात है। सब बातों का उत्तर मिल जाए तो नाम पड़ गया उत्तर प्रदेश। अपने सवाणी में बोला है उत्तर प्रदेश को यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, तो धर्म युद्ध का खेल अधर्मी दिखाएगा या धर्मी दिखाएगा? धर्म को सत्य कहा जाता है, अधर्म को झूठ कहा जाता है। भगवान के जो रूप है, जो भी भगवान के अवतार है, वो कौन से प्रदेश में दिखाए जाते? उत्तर प्रदेश में दिखाए जाते। चाहे राम का अवतार हो, चाहे कृष्ण का अवतार हो, चाहे शिव का मंदिर हो, कौन सी नगरी है? काशी नगरी। और बाबा मूर्ति मतलब जो हाथ धोए मूर्ति निकलेगा तो जैसे धर्म पिता हैं? बोला है जो हर धर्म में मूर्ति है तो भी चाहू की अष्टदेव होगा स्मृति है। कैसेट में सुना है जो हर धर्म में मूर्ति मिलेगा तो कौन कौन धर्म होगा? हर धर्म में हर धर्म का शिव बाबा निकलेगा कि नहीं? सूक्ष्म आत्मा ऊपर से आती है, सूक्ष्म पिता कोई ऊपर से आता है धर्म का, तो उन धर्मों का शिव बाबा हो गया। अब वो आता है तो कोई में मुकर रूप से प्रवेश करता है, तो वो धर्म की माता हो गई। फिर कोई पिता भी होगा साकार में, ऐसे ही जन्म मिलता है उसका बाबा हो गया। सूक्ष्म बीज रूप स्थूल और उस बीज से निकला हुआ पहला बीज उस धर्म का दो और एक आधार रूप जिसमें ऊपर वाला प्रवेश करता है। तो चार आत्मा हो गई ना, ऊपर वाला जिसमें प्रवेश करता है दो और जिसमें प्रवेश किया वो किसका बच्चा बना? बीज का। और उस बीज का बाप कौन? है और क्या वो सब धर्मों का विनाश करता है कि नहीं करता है? पांच प्रकृति के तत्व तो दासी कैसे बनेंगे? अभी जल बाहर में आता है तो परेशान परेशान कर देता है, बोरम बोर कर देता है, हत्याएं कर
कर देता है या नहीं, तो तामसी प्रकृति है जनरू। ऐसे कलयुग में नदियां बाढ़ लाए रहेंगी क्या, समंदर उछाल मारेगा क्या, नहीं। इसलिए जल जो है वो जल देवता कार्तिक बन गया, सुखदाई बन गया, ऐसे ही। और तत्वों का ऐसा में कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वो प्रकृति स्वतंत्र प्रकृति दासी के रूम में क्या काम करता है? में प्रकृति को अंत तक तामसी रूप धारण करना है, लेकिन दुनिया वालों के लिए, बाप के बच्चों के लिए नहीं। बाप के जो असली बच्चे होंगे उनके ऊपर प्रकृति के प्रकोप का कोई असर नहीं होगा। बहुमंजिली उमारे सारी गिर जाएगी, बाप का बच्चा बच जाएगा। प्रकृति तामसी होने के बावजूद भी बाप के बच्चों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। माउंट आबू में छुट्टी मिल जाएगी है, माउंट आबू में जाने के बाद छुट्टी मिल जाएगी। माउंट आबू तब तक है जब तक लास्ट विनाश नहीं होता है। लास्ट विनाश में सब कुछ खराब हो जाता है। पृथ्वी का जो भी अणु जहाँ से शुरू हुआ है चक्कर लगाना, वो वहाँ का वही पहुँचेगा। माउंट आबू जो पत्थर है वो क्या दूसरा तरफ दुनिया के दूसरा तरफ पत्थर है, वो वजन है क्या? काला पत्थर जो होता है ग्रेनाइट पत्थर, वो सबसे मजबूत पत्थर माना जाता है। तो बिना के बारे में अकेला नहीं पत्थर की बात नहीं है, पहाड़ की बात है। पहाड़ एक ही ऐसे पत्थर से बना हुआ है और इतना गहरा है, सारी दुनिया के ऊपर भूकंप के झटके आते रहेंगे छोटे बड़े। माउंट आबू के ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन लास्ट जो विनाश होगा, एक साथ सारे ही एटम बम फटेंगे, पहाड़ भी लावा बन जाए। हम लोग अच्छा, तो हमेशा परमधाम में ही रहने की सोचते हो क्या? सुखधाम में नहीं जाना चाहते? बॉडी कहाँ है? हाँ, वो सारे आप ये समझते हैं कि 4.5 लाख जो है वो शांति धाम में बैठे रहेंगे, सुखधाम में नहीं जाएंगे? विनाश के बाद दिल्ली में बनेगा सुखधाम, सुखधाम के बाद विनाश पहले बनेंगे। लेकिन आप बोल रहे हैं कि जब रात में अंतिम विनाश होगा तो माउंट आबू का वो भी विनाश हो जाएगा, वो तो साथ में आगे। तो हम लोग कहाँ रहे, सुखधाम नहीं तैयार होगा? राधा कृष्ण का जन्म ही भूल गया, इधर में शुरू हो जाएगा, इधर में शुरू हो जाएगा। कौन बोल रहा था? सब कैमरा धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। लोग के चित्र आपने शंकर को ऊपर क्यों बैठा दिया है? शंकर को मिला के क्यों कर दिया है? शंकर का नाम शिव के साथ, शिव का शिव के साथ शंकर का नाम ही क्यों जोड़ा गया? ये दो प्रश्न जरूर डालना चाहिए आपको। शिव शंकर को दोनों को मिला के भक्ति मार्ग में इकट्ठा क्यों कर दिया गया? दूसरा प्रश्न, 33 करोड़ देवताओं के बीच में एक शंकर का ही नाम शिव के साथ क्यों जोड़ा गया? शंकर की मूर्तियाँ, नग्न शंकर की मूर्तियाँ संसार में
सबसे जास्ती तादाद में क्यों पाई जाती है? अरे और किसी देवता की इतनी मूर्तियाँ नहीं मिलती हैं जिसमें शंकर की मूर्तियाँ मिलती हैं। तीन लोगों के चित्र में शंकर को सबसे ऊपर क्यों दिखाए गए? बीकेश के पुराने झाड़ के चित्र के ऊपर परमधाम में जाती हुई आत्माओं के साथ शिव और शंकर दोनों को क्यों दिखाए गए? शिव को भक्ति मार्ग में शिव को शंकर को तीसरा नेत्र क्यों दिखाते? उसे उस नेत्र को शिव नेत्र क्यों कहा जाता है? बीकेश में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा किसका टाइटल है और वह अर्ध चंद्रमा शंकर के मस्तक पर क्यों दिखाया जाता है? शंकर को मिलाकर एक इसलिए कर दिया गया है कि शिव की याद में एकमात्र देवता महादेव शंकर ही शिव की याद में पहले पहले लवलीन हो जाता है, इसलिए बाप समान हो जाता है और किसी देवता को शिव के साथ नहीं मिलाया जाता। शिव ब्रह्मा या शिव विष्णु कभी नहीं कहेंगे, सदैव कहेंगे शिव शंकर बोलना। भक्त लोग शिव शंकर को एक ही मानते हैं, फिर शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में क्यों देते हैं? शंकर से कभी नहीं कहेंगे, क्यों? शंकर का नाम शिव के साथ इसीलिए जोड़ा जाता है कि पुरुषार्थ करके रुद्रमाला का पहला मणका, पहला साकार मणका, साकारी आकारी मणका बनता है। इसलिए जो होते स्वर्ग अर्थात पहला नंबर लगभग शंकर की मूर्तियाँ संसार में सबसे जास्ती तादाद में क्यों पाई जाती है? मूर्ति अथवा चित्र प्रैक्टिकल चरित्र की यादगार है और शिव ने जो प्रैक्टिकल चरित्र संसार में सबसे जास्ती बजाया है वो शंकर के चित्र के द्वारा ही बजाया है। हाँ, शिव का पाठ शंकर के द्वारा ही संसार में प्रत्यक्ष होता है। ये प्रश्न क्या था? ये तो कौन सा नंबर का प्रश्न था? ये नंबर तीन का क्या था? शंकर की मूर्तियाँ संसार में सबसे जास्ती तादाद में क्यों पाई? क्योंकि सबसे जास्ती पाठ बजाया है शिव ने, सबसे जास्ती पाठ बजाया है, सबसे जास्ती सेवा की है, इसलिए सबसे जास्ती तादाद में शंकर की मूर्तियाँ मिलती है। इसलिए शंकर की मूर्तियाँ सबसे जास्ती तादाद में मिलती है। शंकर की आत्मा तो सिर्फ याद में रहती है, याद के लिए शरीर कर्मेंद्रियों की जरूरत ही नहीं, फिर की याद तो मनबुद्धि का काम है जो शंकर की मनबुद्धि रूपी आत्मा ही करती है। बाकी कर्मेंद्रियों से सारा कार्य शिव बाप करते हैं। जो सबसे ऊंचा कार्य करता है, सबसे पावरफुल कार्य करता है, सबसे पावरफुल होता है वो उसी गति पर बैठता है। इसलिए ब्रह्मा देव ब्रह्मापुरी विष्णुदेव विष्णुपुरी में और शंकर महादेव सबसे ऊंचीपुरी में दिखाया जाता है। याद की स्टेज की ऊंचाई दिखाई दे, याद की स्टेज में हाइएस्ट पोजीशन दिखाई दे। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के शक्ति रूपी झाड़ में हीरो पाठधारी के रूप में जगत पिता शंकर का नाम सर्वोपरि, इसलिए झाड़ में शंकर को सबसे ऊपर दिखाया गया। क्योंकि विनाश काल में शनि का विनाश होने पर मनुष्य आत्माओं की बारात में परमधाम रूपी घर जाने वाली बारात में शिव शंकर झूलेलाल ही सबसे आगे आगे होंगे। शंकर झूलेलाल आगे होता है ना बारात में, झूलेलाल भी सबसे आगे आगे होंगे। सबसे आगे आगे होंगे सबसे ऊपर हेडलाइन के रूप में लिखना है। हेडलाइन ऊपर क्या लिखा? अच्छा अच्छा, भक्ति मार्ग के चित्र देवताओं के चरित्र की याद, प्रैक्टिकल चरित्र देवताओं के प्रैक्टिकल चरित्र की याद, भक्ति मार्ग में शंकर को तीसरा नेत्र क्यों दिखाते हैं?
ब्रह्मा या विष्णु को क्यों नहीं दिखाते भक्ति मार्ग में शंकर की भ्रकुटि में तीसरा नेत्र इसीलिए दिखाते हैं कि ज्ञान स्वरूप शिव शंकर की भ्रकुटि रूपी सप्तपद मुकरण रूप से विराजमान रहते इसलिए शंकर को भक्ति मार्ग में अविनाशी देवता अमरनाथ माना जाता है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। मुरली में भी इसीलिए बोला है इस धरती पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, ब्रह्मा का तो सही छूट जाता है। इसलिए मुरली और शास्त्रों में बोला है ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खराब होती है और बोला है कि यह ब्रह्मा मेरा टेम्परेरी लोक, इसलिए ब्रह्मा का सही छूट जाता है। ज्ञान सागर शिव का तीसरा नेत्र न ब्रह्मा को दिखाते हैं न विष्णु को दिखाते हैं क्योंकि शिव की बोली हुई क्रियाओं का हुई अर्थ न ब्रह्मा की बुद्धि में बैठता है न विष्णु की बुद्धि में बैठता है। यह तीसरा नेत्र 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच पहले पहले रुद्र कहे जाने वाले शंकर द्वारा ही आदि मध्य और अंत में प्रत्यक्ष होता है। अर्थात रुद्र ज्ञान यज्ञ का आरंभ भी प्रजापिता कहो अथवा जगत पिता कहो के द्वारा होता है। ज्ञान का विस्तार अर्थात व्याख्या भी मध्य में शंकर द्वारा होती है और अंत में ज्ञान का सार स्वरूप ज्योतिबिंद रूप भी सबसे पहले शंकर ही बनता है जो निराकार शिवलिंग के रूप में आज भी पूजा जाता है। उस शिवलिंग के बीच में शिव ज्योति बिंदु विद्या के रूप में सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया रुख के मस्तक पर अधूरा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा इसलिए दिखाया जाता है कि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल दादा लेखराय शंकर में प्रवेश करके 16 कला संपूर्ण नारायण बनने की पढ़ाई पड़ती है बुद्धि रूपी पेट में पूरी करती है और पढ़ाई पूरी होने पर साकार कृष्ण के रूप में जगतम पितरम कहे जाने वाले शंकर पार्वती के द्वारा सृष्टि के पहले पति के रूप में जन्म लेती है। भक्ति मार्ग में शंकर के सिर पर 8 मणकों की माला क्यों दिखाई जाती है? मालाओं में जो सर्वोपरि माला है वो अष्ट देवों पर जिनकी यादगार 8 मणकों की माला रथ में पाठ बजाने वाले शिव के शरीर रूपी गृह में सबसे ऊपर दिखाई जाती है।